हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं सिंपल तुलसी चरा डिजाइन पार्ट 2। पहले के वीडियो में हमने ऊपर का डिजाइन बना लिया है, आज हम नीचे का डिजाइन बनाएंगे। ऊपर का डिजाइन बनने के बाद हम फूलक के धार को दोनों तरफ को बनाएंगे। फूलक के ऊपर वाला धार को हम राउंड फंटी से गोल बनाएंगे। फूला के आजू बाजू में छोटे वाला पाइप या फिर अपने करनी से थोड़ा घसेंगे और ऊपर के हिस्से को खाँच के ऐसा कोन बना देंगे जिससे कि यहाँ मंदिर डिजाइन में दिखने लगेगा। नीचे के हिस्से में टाइल्स लगा देंगे, अगर आपके पास टाइल्स का टुकड़ा होगा तो।
कोने के धार को ऐसे खांच के जो एक धार है उससे दो धार बना देंगे ऊपर से ड्रेन छुड़ा कर। उसके बाद पाइप में सीमेंट फिटकर जो ईटा निकाले थे उसके बीच में डाल देंगे। पाइप को खींचने से पहले अच्छे से ठोक देंगे करने से, उसके बाद इसको दबाते हुए आगे बढ़ाते हुए निकालेंगे। नीचे में डिजाइन देने के लिए पहले मसाला मारेंगे, उसके बाद पट्टी से बराबर घस के पट्टी को बराबर रखेंगे, फिर उसके ऊपर मसाला चढ़ाएंगे। पट्टी अच्छा लेवल में रहे इसके लिए आप लेवल पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका धार सीधा दिखेगा। उसके बाद पट्टी के ऊपर राउंड बुशा चला देंगे, जिससे कि ऊपर का हिस्सा राउंड हो जाएगा। अब जो राउंड हुआ है उसके ऊपर के हिस्से को दबाते हुए पट्टी को ऊपर चढ़ाएंगे। फिर पट्टी को दीवार से डेढ़ दो इंच फुला के रखेंगे और उसमें मसाला डालेंगे। मसाला बराबर डालने के बाद दोनों हाथों से पट्टी को पकड़कर ऊपर चढ़ाते हुए दबाएंगे। जैसा हमने सामने का धार बनाया है वैसा इधर भी बनाएंगे और हमारा तो ही चारा तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी आपको नए नए डिजाइन भेजने का प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।